Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dashing Golden Diaries and wish you all a very very happy and prosperous, healthy and corona free new year जो कि हमने पहले wish कर दिया। 12-13 तारीख लगभग हो चुका है लेकिन फिर भी जो है हम विश कर रहे हैं क्योंकि नए साल का जश्न हम मना रहे हैं। पूरा जनवरी जो है वो जश्न में रहेगा क्योंकि नया साल है, नया महीना है, जनवरी का महीना है, तो 2021 साल को तो मनाएंगे ही अच्छे से। और 2020 में जो चीज़ें हुई हैं, और जिस तरह से गुजरा है तो उसको तो नहीं भूल सकते हैं। जो कोरोना की मार लगी है तो उससे अभी तक उभर कर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी 2021 में वो कोरोना वरोना को पीछे छोड़ के हमें जश्न मनाते हुए खुशी से जो है आगे बढ़ते हुए जाना है। यही तमन्ना है दिल की और यही ख्वाहिशात लेके हम आगे बढ़ेंगे और चाहेंगे कि ये सारे ख्वाहिशात, सारी मुरादें लोगों की पूरी हो। तो शम्मी कपूर जी के अध्याय हम शुरू कर रहे थे और काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं। तो मैं एक बचपन का किस्सा जो कि मैंने पहले भी बताया था दोबारा बता रहा हूँ कि एक दफ़ा क्या हुआ था, कलकत्ते में जब पढ़ाई कर रहे थे कैलकटा में सॉल्ट लेक सिटी में, तो वहाँ पे ठहरे हुए थे। तो उन दिनों में सॉल्ट लेक, तो उसका नाम सॉल्ट लेक ही था लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। एक सिटी, एक लेक है उसको सॉल्ट लेक बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो वहाँ से वो जा रहे थे अपने द्वारिका, अपने नौकर के साथ और अपने बड़े भाई राज कपूर साहब के साथ। तो इन दिनों में बारिश बड़ी पड़ रही थी तो भीग गए थे पूरी तरह से। और वहाँ जैसे ही वो पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद जो स्कूल की जो मैडम हैं, उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है तो वो क्रिश्चियन लेडी, उन्होंने कहा कि द्वारका तुमको डांट पड़ेगी। उन्होंने कहा क्यों ना, तुम बाबा को ऐसे बिको के क्यों लेके आ गए, तुम्हें पता नहीं बुखार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्यों बुखार हो जाएगा, तुम बाबा को ऐसे क्यों लेके आया, यू ब्लडी नॉनसेंस स्काउंडल, उन्होंने डांटा। उन्होंने कहा क्यों मुझे स्काउंडल क्यों डांट रही हो मैडम, क्या मैंने गलती कर दी, मैं तो मेरा फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हें इस तरह से भिगो के बाबा को, यानी कि शम्मी कपूर छोटे बच्चे को, छोटे नन्हे शम्मी कपूर को इस तरह से लेके नहीं आना चाहिए था। तो उसके बाद उन्होंने कपड़े वपड़े उतारे, सबके सामने नंगे पुंगे होके वो खड़े हुए हैं। तो उनको उन्होंने कहा कि तुम कपड़े, नए कपड़े लेके आओ, द्वारका को उन्होंने बोला। तो वो जाके लेके आ रहा है तो शम्मी कपूर नंगे होके सबके सामने खड़े। तो उसके बाद एक चम्मच पे वो दो चम्मच कुछ पिला रही हैं तो इन्होंने पी लिया। तो ऐसे करके उन्होंने पिया, उनका क्या है, वो था कोनियक, डॉक्टर्स ब्रांडी। सो फ्रॉम दैट डे, यू नो, अराउंड 1938 ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग एज अ 7 years old kid, he started drinking wine or what you call grape juice or brandy, doctor's brandy. Then later on he started drinking beer and then whiskey and then drinks. Of course he became the Baja of drinking, but he became a big actor, big star. Yeah, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक बहुत बड़े इंसान बन गए। हाँ, ये सब चीज़ें उनमें थी लेकिन बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े दिल वाले इंसान थे। बट फ्रॉम द स्कूल डेज ऑफ कोलकाता ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग, दैट्स फॉर श्योर, बट फॉर यू नो जस्ट फॉर टेस्टिंग एज पर द विश ऑफ द स्कूल मैडम। बट ऑफ कोर्स लेटर ऑन ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग, बट ही डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन हिज एक्टिंग एंड ही डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन हिज गेम, इन हिज वर्क एंड सो मेनी थिंग, इन हिज म्यूजिक, सिंगिंग एंड सो मेनी थिंग्स। सो टिल देन, गुड बाय फ्रेंड्स एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड टू माई यूट्यूब चैनल। एंड इस तरह से आप बहुत सारे अध्याय के बारे में जानते रहेंगे और इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज के साथ। थैंक यू सो मच। ओम साईनाथ।